ये अनंत अंतहीन ब्रह्मांड, ये विस्तृत सीमा से भी परे उस असीम शक्ति का स्वरूप जिसे हम मानव केवल उनसे प्रार्थना करके पाने की अपेक्षा करते हैं, क्या ये वास्तविकता में संभव है? जी हाँ, यह संभव है। केवल सच्चे हृदय से उनसे की गई प्रार्थना तत्क्षण स्वीकार होती है, क्योंकि यदि वह शक्ति इस विस्तार में बसती है तो वह हमारे भीतर भी विराजमान है। तो आइए आज अपनी हर एक प्रार्थना को सीधे उन तक पहुंचाएं, अपनी सरल हृदय से उनको करें नमन। मेरा साथ दीजिए आप, और आपके साथ हूं मैं शीतल। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर चलते हैं प्रभु चरणों की ओर। जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा। देह के माला तिलक और छाप नहीं किसका, भक्ति प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सो ही परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा। छोड़ दुनिया के बैठ कर एकांत में, बैठ कर एकांत में, ध्यान धर हरि का चरण का, फिर जन्म नहीं आएगा, सो ही परम पद पावेगा, सो ही परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, सो ही परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा
दृढ़ भरोसा मन में करके, दृढ़ भरोसा मन में करके दृढ़ भरोसा मन में करते, जो जपे हरि नाम को, जो जपे हरि नाम को, जो जपे हरि नाम को। छह बजकर 16 मिनट और 41 सेकंड हुए हैं। आज शक संवत 1945 फागुन मास की अष्टमी तिथि है, तदनुसार 3 फरवरी 2024 दिन है रविवार। हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल केवल उस परम पिता परमात्मा की ही इच्छा का परिणाम है। यदि हम अपने जीवन में देखना चाहें कि हमें क्या मिला और क्या हम उसमें से ग्रहण कर पाए, तो वो बस प्रभु की कृपा ही है, वो बस उनका ध्यान और उनका आशीर्वाद ही है जिन क्षणों को हम अपने लिए बचा पाए। प्रभु जी
नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपके अच्छे विचार और पोषित करते हैं, आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे हम समाज की भलाई के लिए कामों को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया उठे दया
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। चलते हैं कान्हा की नगरी ब्रिज आकाशवाणी के साथ। हर सुबह 7:10 पर सुनना न भूलें मोहे ब्रिज बिसरत राय। MHz यानी आकाशवाणी गोल्ड पर। मोहे ब्रिज बिसरत राय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जीवन में हम किन कार्यों को महत्व देते हैं जो हमें ईश्वर से दूर कर रहे हैं या पास, ये हमको स्वयं जांचना होगा कि हमारी संगत हमें सुख की ओर ले जा रही है या दुख की ओर खींच रही है। क्या हमारे कर्म हमारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए हैं या परम सुख को पाने के लिए। ये मात्र बातें नहीं है, ये हमारे जीवन का एक ऐसा पथ प्रदर्शक क्षण है जिसमें हम अपने जीवन को एक सही दिशा पर अग्रसर कर सकते हैं। दर्पण को निर्मल कर दो, मन दर्पण को निर्मल कर दो, मेरे साईं मेरे साईं। जीवन में अमृत रस भर दो, जीवन में अमृत रस भर दो, मेरे साईं मेरे साईं। मन दर्पण को निर्मल कर दो। सच्ची भक्ति
दर्पण को निर्मल कर दो, मन दर्पण को निर्मल कर दो, मेरे साई मेरे साई, जीवन में अमृत रस भर दो, जीवन में अमृत रस भर दो, मेरे साई मेरे साई, मेरे साई मेरे साई, मेरे साई मेरे साई। प्रीत न कीजिए पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो कीजिए मछली जैसी जल सूखे मर जाए। प्रेम पंछी के जैसा नहीं कीजिए कि जिस स्थान पर जब तक जल है वहां तभी तक रहे और जब जल सूख जाए तो उड़ जाए। प्रेम करना है तो मछली जैसे कीजिए कि जब तक जल रहे मछली भी तभी तक रहे, अगर जल सूख जाए तो मछली भी मर ही जाए। जपो राम राम श्री राम जय जय राम, जपो राम राम जपो राम जय जय राम, जपो रे राम नाम सुखदाई, राम सुखदाई जपो दे राम नाम सुखदाई, राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, राम नाम सुखदाई जपो दे राम नाम सुखदाई, राम चरण के सुमिरन से नर भव सागर सज जाई, राम चरण के सुमिरन से नर, राम चरण के सुमिरन से नर, राम चरण के सुमिरन से नर, राम चरण के सुमिरन से नर भव सागर तट जाई, नाम लेत ही तेरो भक्त जन, नाम लेत ही तेरो भक्त जन, नाम लेत ही तेरो भक्त जन सीधो सदन कस आई, राम नाम सुखदाई जपो रे राम नाम सुखदाई, जपो रे राम नाम सुखदाई। राम नाम के
मेरा भाई राम नाम के कारण भर गई पागल मेरा भाई पत छोड़ा छोड़ा परिवार भी छोड़ा इस नाम के महिमा गाई राम नाम सुखदाई जपो रे राम नाम सुखदाई राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई राम नाम सुखदाई जपो रे राम नाम सुखदाई जपो राम नाम राम जपो राम नाम राम जपो राम जपो राम जपो राम 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 ओ जपो राम 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 बहुत गजब का नजारा है। इस अजीब से दुनिया में लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए, और इस दुनिया में यदि कुछ हमारे साथ जाना है तो वो है राम का नाम, उनकी भक्ति, उनका ध्यान। तो आइए उन्हीं का नाम लें, उन्हीं को रटें, उन्हीं का ध्यान हर क्षण हर एक पल अपने जीवन में रखें। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मनमत वाले राम गुण गाले मनमत वाले राम गुण गाले भजले तू श्री राम जय 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 बसाले राम गुण गाले मूरत बसाले राम गुण गाले भजले तू श्री राम
जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम अगर हम अपने आप को समझेंगे तो आज को समझ पाएंगे और अगर दुनिया को समझने चलेंगे तो हम सिर्फ कल में ही रह पाएंगे। कुछ ही समय में आप सुनेंगे रामचरितमानस से पाठ, जिसमें आज आप सुनेंगे बालकांड के कुछ अंश। जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान पूजा भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है। तुम्हारा
बेश मुख पर
हमारे विचार हमारी आदतों और दृष्टिकोण का आधार होते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, ये सर्वप्रथम हमारे विचारों में आता है। आज का अर्पण यहीं तक। कुछ क्षण में आप सुनेंगे संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। मुझे अनिशितल को दीजिए इजाजत। आप सुनिए समाचार, आपसे होगी मुलाकात 7:00 बजकर।